hello everyone welcome back to our youtube channel english tutor today we will read about uh, poem meadow surprises of class 7th walk across a green field a park or even under a clump of trees and you will notice many wonderful things what are some of the surprises a meadow has for someone with a keen eye and a sharp ear तो पोइट इसमें क्या कहना चाहता है पोइट कहता है मीडो सरप्राइज़ेस सरप्राइज़ेस मीन्स हैरान कर देना और मीडो क्या है ओपन ग्रास कि ओपन ग्रास लैंड्स में अगर हम जाएं नेचर की तरफ जाएं हम नेचर की ग्रीनरी को देखें तो हमें वहाँ बहुत सी बातें बहुत सी चीज़ें ऐसी दिखती हैं जो हमें हैरान कर देती हैं सरप्राइज़ कर देती हैं इसीलिए पोइट कहता है कि किसी ग्रीन फील्ड या किसी पार्क की तरफ़ जाओ या जहाँ बहुत सारे पेड़ हों ऐसी जगह पर जाओ वहाँ पर तुम्हें बहुत सी वंडरफुल चीज़ें दिखाई देंगी उसमें से कई चीज़ें तुम्हें सरप्राइज़ करेंगी पर सरप्राइज़ तभी करेंगी अगर तुम्हारे पास कीन आई है एक ऑब्जर्वर वाली आँख है और शार्प ईयर हैं उस जो नेचर में म्यूज़िक है उस म्यूज़िक को सुनने के लिए कान भी कैसे होने चाहिए तेज होने चाहिए मीडो have surprises you can you can find them if you look कहता है जो open grasslands हैं वो तुम्हें surprise करते हैं you can find them अगर आप उन्हें ध्यान से देखो तो आप समझ जाओगे walk softly through the velvet grass and listen by the brook कहता है soft जो velvety grass है जो velvet मखमली सी मुलायम सी जो घास है उस पर हल्के हल्के पैरों से चलो एंड लिसन बाय द ब्रूक और फिर ब्रूक क्या है एक स्मॉल स्ट्रीम या फिर हम वाटरफॉल भी कह सकते हैं कि नेचर में अगर हम जाएं तो हमें वहाँ पर जो झरने हैं वाटरफॉल उनका म्यूजिक भी सुनाई देता है यू मे सी अ बटरफ्लाई तुम एक बटरफ्लाई भी देख सकते हो रेस्ट अपॉन अ बटर कप जो किसी बटर कप पर बैठकर रेस्ट कर रही होगी बटर कप क्या है अ वाइल्ड प्लांट विद येलो कप शेप्ड फ्लावर एक जो कप की शेप का फूल होता है वो बटर कप और एक बटरफ्लाई तितली उस पर बैठे हुए रेस्ट कर रही है और वो क्या कर रही है एंड अनफोल्ड इट्स ड्रिंकिंग स्ट्रॉज टू सिप द नेक्टर अप और वो जो तितली है फूल के ऊपर बैठी है और उसका रस चूस रही है सिप कर रही है यू मे स्केयर अ अ अपॉइट कहता है कि तुम एक रैबिट को भी डरा सकते हो इज सिटिंग वेरी स्टिल जो कि बड़ा ही स्टिल बड़ा ही शांत बैठा है दो एट फर्स्ट यू मे नॉट सी हिम कहता है हो सकता है पहली बार तुम्हारा ध्यान ही ना जाए तुम उसे देख ही ना पाओ वन ही होप्स यू विल पर जब वो होप करे खुद के तब आप उसे जरूर देख लोगे अ डंडेलियन हुज फ्यूजी हेड वॉज गोल्डन डेज एगो हैज़ टर्न टू एयरी पैराशूट्स डैट फ्लटर वेन यू ब्लो तो और क्या कहता है कि डंडेलियन नाम का जो पौधा है वो पौधा जो कुछ दिनों पहले गोल्डन सुनहरे रंग का था हैज़ टर्न टू एयरी पैराशूट्स अब वो पैराशूट में बदल गया है मींस हवा में उड़ने लगा है ऐसा लगता है हवा में वो पैराशूट की तरह उड़ उड़ रहा है दैट फ्लटर व्हेन यू ब्लो जब आप उसे फूक मारो तो वो और भी ज़्यादा उड़ने लगता है डेंडेलियन एक रोहिदार पौधा सा होता है एक्सप्लोर द मीडो हाउसेज द बरोज इन द ग्राउंड अब एक्सप्लोर मीन्स डिस्कवर देखना एक्सप्लोर द मीडो हाउसेज द बरोज़ द ग्राउंड कहता है ग्राउंड में जो घास वाले ग्रास होते हैं वहाँ पर हमें और भी क्या दिखाई दे सकता है मीडो हाउसेज घर भी दिखाई दे सकते हैं अब वो घर किसके हैं द बरोज़ द ग्राउंड ग्राउंड ज़मीन के नीचे जो बने हुए बिल हैं बरोज़ के जैसे खरगोश है या चूहा है ये सब बिल बनाकर रहते हैं तो वहाँ इनके बिल भी हो सकते हैं अनेस्ट बीनीथ टॉल ग्रासेज द एंड्स अमेजिंग माउंड नेस्ट मतलब कि ऊंची-ऊंची घास के नीचे बना हुआ घोंसला या फिर जो चीटियाँ होती हैं वो अपने माउंड बनाती हैं टीले बनाती हैं या फिर चींटियों का बनाया हुआ टीला ओ मीडो हैव सरप्राइजेज एंड मैनी थिंग्स टू टेल तो क्या कहता है कि ओ पोइट कहता है ओ मीडो में तो बहुत से सरप्राइजेस हैं जो चरा गहा जो ओपन ग्रासलैंड्स हैं उसमें तो बहुत सारी चीज़ें हैं हैरान कर देने वाली एंड मैनी थिंग्स टू टेल और वो हमें बहुत सी बातें भी बताते हैं यू मे डिस्कवर दीज योरसेल्फ सेल्फ इफ़ यू लुक एंड लिसन वेल और क्या कहता है पोइट कि आप इन सब चीज़ों को खुद ही डिस्कवर कर सकते हो खुद ही देख सकते हो अगर आप उन्हें ध्यान से देखो और ध्यान से सुनो तो यहाँ पर ही ये पोइम कंप्लीट हो रही है इस पोईम के पोइट हैं लुइस ब्रांड फिलिप्स इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल